कीजिए हमारे मंसूरी समाज चैनल को और बेल आइकॉन को। मरकजी कमेटी के लीडर हजरात और हैदराबाद के इस तारीखी शहर जिस शहर ने बड़े बड़े इंकलाबात देखे हैं, जिस शहर ने बड़े बड़े तजुर्बात देखे हैं, उसे हैदराबाद शहर में तशरीफ लाए हुए पूरे मुल्क से आए हुए हमारे जमीतुल मंसूर के पुकार पर आवाज पर लब्बैक कहते हुए आए हुए हमारे मुंबई हजरात, डेलीगेट हजरात और साथ ही साथ तेलंगाना रियासत और हैदराबाद के साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी माँ और बहनों, आज हम लोग एक ऐसे मौके पर जमा हुए हैं जिस वक्त हिंदुस्तान एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है जो मैं ये समझता हूं कि आजादी के 72 साल मुकम्मल हो जाने के बाद भी एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर हमारा मुल्क कभी खड़ा नहीं रहा है और ऐसे हालात में खड़े होकर ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर क्या ये नेशनल कन्वेंशन यकीनन वक्त की एक अहम आवाज है और इस वक्त की एक अहम आवाज सामने रखते हुए आज हमें संजीदगी से गौर करना पड़ेगा, हमें आज संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि हम और हमारे इस्लाम ने जो अपने खूने जिगर से इस मुल्क को सींचा था, इस मुल्क को बनाया था, सजाया था, सुवारा था, आज उसी मुल्क में हम की जगह जाकर खड़े हैं। जब पड़ा वक्त है गुलिस्तान पे तो खून हमने दिया, अब बाहर आई है तो कहते हैं तेरा काम नहीं। एक ऐसे मोड़ पर हम खड़े हैं, मैं तो आज ज्यादा वक्त आपको नहीं लेना चाहता, माहौल भी शायद ऐसा नहीं है, मगर जो कैदी हजरात यहां तशरीफ फरमा है, जो लीडर हजरात यहां तशरीफ फरमा है, जमीयतुल मंसूर के जो जिम्मेदार हजरात यहां तशरीफ फरमा है, मैं अब उनसे ये कायम करिए कलकत्ता से चलकर हैदराबाद के इस सरजमीन पर तशरीफ लाया।